ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, कोडरमा विधानसभा में रहेगा तो सिर्फ अमन शांति विकास और प्यार रहेगा। जी हाँ, इसी संकल्प इसी नेक इरादे के साथ सुभाष यादव जो राजद के प्रत्याशी के रूप में आपके कोडरमा विधानसभा में आप तमाम लोगों का साथ मांग रहे हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं सुभाष यादव। जी हाँ, श्री सुभाष यादव जो तैयार खड़े हैं आपकी सेवा की जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठाने के लिए, जो आए हैं कोडरमा से विधायक की उम्मीदवारी लेकर, विकास की एक नई लकीर खींचकर एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं सुभाष यादव। लालटेन छाप का निशान लेकर आए हैं। जी हाँ, लालटेन छाप जो आपको ईवीएम में क्रम संख्या 3 पर मिलेगा, तो इसी क्रमांक संख्या 3 पर बटन दबाना है, यानी लालटेन छाप पर बटन दबाना है और सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा से विधायक चुनना है, विधायक निर्वाचित करना है। जी हाँ, श्री सुभाष यादव जो नेक हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, कर्मठ हैं, वफादार हैं और आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, आपके अपने कोडरमा विधानसभा से जिनका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, जो आपको मिलेगा ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 3 पर, तो इस बार क्रमांक संख्या 3 के निशान लालटेन पर बटन दबाना है और कोडरमा विधानसभा से श्री सुभाष यादव को विजयी बनाना है। भूल नहीं करना है, क्योंकि आपकी एक भूल आपको 5 साल पछताने पर मजबूर कर देगी। इसलिए जागिए, एकजुट हो जाइए और चुनिए एक ईमानदार नेक दिल इंसान को सुभाष यादव के रूप में, विधायक के रूप में। याद रखना है, सुभाष यादव का चुनाव का निशान है लालटेन छाप, जो आपको ईवीएम में क्रम संख्या 3 पर मिलेगा।